सोनभद्र के ओबरा से सटे काला पानी कहे जाने वाले रेणु कांदी पार्क के आदिवासी क्षेत्र में त्रासदी ने पुनः दस्तक देना शुरू कर दिया है। जी हां, अत्यंत दुर्गमता झेल रहे टोलों में मौतों का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं है। जी हां, इसी क्षेत्र के ग्राम पंचायत अगोरी खास के करजी टोले में गुरुवार को बीते 24 घंटे के भीतर एक महिला और चार बच्चों समेत कुल 5 की मौत हो गई। वहीं सभी मृतकों में खून की कमी के साथ उल्टी और पेट दर्द की शिकायत, इसके साथ बुखार जैसी शिकायत ग्रामीणों द्वारा बताई जा रही है। अब भी कई लोग बीमार हैं। इस घटना से गांव में हड़कंप की स्थिति है। जी हां, संचार व्यवस्था से कोसों दूर इस गांव में हुई इतनी बड़ी घटना के बारे में अब जिला प्रशासन को इसकी जानकारी हुई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर भेजी जा रही है। वहीं सोनभद्र के 54 विकास खंड के ग्राम पंचायत अगोरी खास के करजी टोले में गुरुवार को बीते 24 घंटे के दौरान 5 ग्रामीणों की मौत से पूरा गांव थर्रा गया है। कई अन्य ग्रामीणों के भी बीमार होने की जानकारी मिली है। ऐसे में कई मौत का आंकड़ा बढ़ेगा तो नहीं, इसको लेकर ग्रामीण चिंतित है। जी हाँ, डिजिटल इंडिया के दौर में इस गाँव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण ग्रामीण कोई भी आपात सुविधा नहीं ले पाए, जिसके कारण मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर तत्काल इस गांव में चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंचाई गई तो स्थिति और खराब हो जाएगी। वहीं 5 मौतों के बाद गांव में मातम है। आकस्मिक मौतों के लिए कुख्यात रहे रेणु कापार में हर साल कई मौतें ऐसी होती हैं जिसे समय से उपचार होने पर बचाया जा सकता है। वहीं खासकर मानसून सत्र सहित अक्टूबर और नवम्बर इस क्षेत्र के लिए त्रासदी भरा रहता है। वर्ष 2011 में इस क्षेत्र में 160 से ज्यादा मौत हुई थी। इसके अलावा भी अन्य वर्षों में औसतन 50 से ज्यादा मौत केवल इन्हीं 2 महीनों में होती है। जी हां, इस दौरान डायरिया, एनीमिया और मलेरिया का व्यापक प्रकोप रहता है। ऐसे में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण दर्जनों मरीजों के असमय मौत का कारण बना रहता है। वहीं सोनभद्र के जिला अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने जिले के गाँव में गई है। जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। क्या नाम है आपका? बच्चा। कहां जा रहे हैं? कहां पे? अब जहां पर अब कहीं आप कहां पर करता हूं? तो यहां क्या कैसे बैठ गए? कराने के लिए थक गए तो क्या करें? क्या कोई साधन नहीं है? कोई साधन नहीं। कोई एम्बुलेंस को नहीं बुला लिए? नहीं बुला लिए। क्यों? क्यों नहीं बुलाए? एम्बुलेंस को फोन नहीं किए? नहीं किए। और ये कहां इलाज कराएंगे? चोपड़ हॉस्पिटल में के सरकारी में के प्राइवेट में? सरकारी भाई, पैसा कौड़ी बाय नहीं तो कैसे अब कराएंगे? तो कहां लेके जाएंगे भाई? अब ओहरा जाब कहीं भी भर्ती करा करी, कोई महाजन के मांगा पैसा कौड़ी ओहरा। सरकारी में जगह व्यवस्था कम हुई, अब दूसरे कहां जाबे? तो क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। क्या आपका बच्चा भी बीमार है? हाँ। तो इलाज कराए हुए हैं उसका? हाँ। कहां कराए? चोपड़ रमाकंद पे। तो क्या हुआ था? टाइफाइड, मलेरिया निकलल, डबल निकलल, ब्लड का कमी। सरकारी अस्पताल में नहीं दिखाए थे? हम वहाँ नहीं बोल रहे। क्यों? अब झटका पटका में लेकर भग ले जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।